आप ना जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आप अब तो मुझे इतना पता है कि आप लोगों को ये पता है कि इसने जो पकड़ी हुई है ना चीज़ हाथ में, या फिर जो सीने से लगाई हुई है ना, ये झूठ नहीं बोल रहा किसी बात को, ठीक है। चले मैं आपको सच्चाई, मैं वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलता झूठ, लेकिन फिर भी आप लोगों को मुझे पता है कि अंदाज़ा हो रहा होगा आप मेरी बात गौर से सुन रहे होंगे, ठीक है। तो सच ये है कि जो है जो डॉक्टर एलिया वो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप इस वक्त हमको देख रहे हैं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म अहमद नसीर चैनल और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज यानी अहमद नसीर पर। नाज़रीन, डॉक्टर एलिया और उनके शौहर अली बाजवा एक वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, वो वीडियो देखकर आप हैरान होंगे। और अली बाजवा यानी डॉक्टर एलिया जो टिकटॉकर हैं, जो खातून हैं, उनके शौहर ने अब कुरान हाथ में थाम कर, कुरान पर हाथ रख कर, कुरान को सीने से लगाकर यह दावा किया है और अवाम को बता दिया है कि मैं इनका शौहर हूं। अब पता नहीं क्यों इनकार किया जा रहा है, क्यों बात को छुपाया जा रहा है और क्यों ये अपने फैंस को क्यों असल हकीकत बताने से कासिर हैं। जरा वीडियो देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद मैं आपको एक और वीडियो दिखलाऊंगा जिससे वाजा हो जाएगा कि अली बाजवा ही डॉक्टर एलिया जो टिकटॉकर हैं इनके खावंद हैं। जरा सबसे पहले वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली बाजवा है और मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैंने ना कुछ वीडियोस अपलोड किए अपने टिकटॉक पे, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरा जो है डॉक्टर एलिया के साथ मेरा निकाह हुआ है। तो मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान कर और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ी कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निकाह हुआ है और इसको हमने बेसिकली प्राइवेट जो है फैमिली तक ही ये रखा हुआ था, लेकिन इसको अब मैंने बेसिकली बस लिखा था, मैंने दो मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड की। तो कुछ लोग हैं जो कि मतलब फजूल में कमेंट्स करते हैं या जो भी है, उस वजह से मैंने पब्लिकली इसको थोड़ा सा वीडियोस वगैरह लगाई हैं कि जो लोग हैं वो मतलब ये ना समझें कि जैसे मैं एक लड़की होती है उसके ऊपर लोग किस तरह करते हैं कि यार ये देखो इससे मैंने शादी करनी है, तो वो चीज़ें मुझे ना बुरी लगती थी बेसिकली। तो फिर मैंने कहा चलो एटलीस्ट ना सबको पता होना चाहिए कि शी इज़ माई वाइफ और वो मेरे निकाह में है, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और हम जो है वो हमने रजामंदी के साथ और बहुत आपस में बहुत प्यार है। और लेकिन जो दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि कुछ इश्यूज हैं जो कि हमारे जो कुछ लोग यूँ समझ लें कि वो नहीं चाहते कि मतलब कि हमारा रिश्ता आगे चले ना, तो उस वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सी जो है इसमें हर्डल्स और चीज़ें हैं जो कि मैं उन्हें रबी डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन जो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि जो सच है वो सबको पता होना चाहिए, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकाह वाली बात है। देखें मैं अभी कुरान ये देखें सामने पढ़ रहा था, औरत कुरान पर पीला और कुरान को फूट ठहर ठहर कर पढ़िए, तो उसके बाद फिर मेरे माइंड में आया कि यार जो हमारी अवाम है ना, ठीक है, जितना मर्जी सच बोलो जो मर्जी कह लो ना वो नहीं मानती, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वैसे भी हाफिज़ कुरान और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सीने के अंदर भी कुरान है और सीने के ऊपर साथ भी लगाया हुआ मैंने, ठीक है। वो इस वजह से कि हमारी जो अवाम है ना वो नहीं मानती, वो समझती है कि इससे हर बंदा ही जुड़ता है, ठीक है। चलें वो तो हो गया एक साइड पे, और दूसरी बात ये है कि मैं जो इस चीज़ को ना इस समय लेके चल रहा हूँ, मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि कल को बहुत से मैं देख रहा हूँ उनके लोग हैं वो मतलब कोशिश करते हैं कि रिश्ता हो जाए हमारा, माँ हो जाए, ठीक है। बहुत से लोग अप्रोच भी करते हैं, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि वो टिकटॉक के लाइव पर मतलब के बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग उन्हें कह रहे होते हैं ये फ़लाँ की कौन सी है, फ़लाँ की ये है। मैं उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बेसिकली मैंने जो वीडियोज़ भी मैंने लगाई हैं टिकटॉक पर और मैंने आप लोगों के सामने वीडियो भी बना रहा हूँ
कि वो चीज़ ख़त्म हो जाए यार, ये फ़लाँ की फ्यूंसी है, फ़लाँ की भाई जान, ये गुनाह है बेसिकली ना मेरी नज़र में। तो देखें मैं एज ए मर्द देखूँ, ठीक है, एज ए हस्बैंड देखूँ, तो मुझे तो ये बुरी लगती है ना चीज़। वो कहते हैं यार ये फ़लाँ की वो है, होने वाली बीवी है, व्हाट द हेल इज़ दिस। ठीक है, आप जो है निकाह इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ठीक है, आप किसी, ठीक है एक चीज़ प्राइवेट है, ठीक है, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उसको इस तरह करने लग जाओगे यार ये फ़लाँ की फ्यूंसी है, इसका उसके साथ कपल होना चाहिए, इसका उसके साथ होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं टिकटॉक यूज़ नहीं करता, ठीक है, मैं अगर सोशल मीडिया पर इस तरह एक्टिव नहीं हूँ, तो डजंट मीन कि मुझे जो है ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी या मैं नहीं देखता। ठीक है, मैं एटलीस्ट देखता तो हूँ ना। तो इन सब को देखते हुए मैंने ना ये वीडियो रिकॉर्ड किया आज, और मैं ये चाहता हूँ कि आवाम को ना पता चले। ठीक है, सेकेंडली जो आप देखेंगे कि मतलब उनकी तरफ से कोई भी इस तरह की वीडियोस जो मतलब नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि अभी जो है पब्लिकली हमने इस तरह उसको वो नहीं किया। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो इंशाल्लाह हम इसको जो है सारे इवेंट्स जो मतलब प्रॉपरली जिस तरह, क्योंकि आपके सामने जो पीछे हालात चल रहे हैं या फिर जो कोरोना के बाद से लेके अब तक, ठीक है, कोई भी मतलब इस तरह की सेरेमनी जो सारी प्रॉपर नहीं हुई ना, तो हमारा भी यही प्लान था कि अभी कोई ना तकरीबन थोड़ा टाइम के बाद, साल डेढ़ साल बाद कोई ना कोई इस तरह प्लान करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि हम मैं देखें आप ना जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आप अब तो मुझे इतना पता है कि आप लोगों को ये पता है कि इसने जो पकड़ी हुई ना चीज़ हाथ में या फिर जो सीने से लगाई हुई है ना, ये झूठ नहीं बोल रहा किसी बात को। ठीक है, चले मैं आपको सच्चाई, मैं वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलता झूठ, लेकिन फिर भी आप लोगों को मुझे पता है कि अंदाज़ा हो रहा होगा आप मेरी बात गौर से सुन रहे होंगे। ठीक है, तो सच ये है कि जो है जो डॉक्टर एलिया वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ठीक है, मैं उनसे ज़्यादा उनसे प्यार करती हूँ। ठीक है, और मेरा उनसे बहुत प्यार है, और मैंने ज़िंदगी में कभी भी इतना प्यार ना कभी देखा ना सुना है, ठीक है, जो मैंने उनसे किया है। और सेम अगर मैं देखूं कि मैंने कभी, मुझे लगता था कि जो लड़कियां ना कभी मतलब सिंसियर नहीं होती, यूँ नहीं होती, ये नहीं होती, लेकिन मैंने इधर आके ना मैं गलत हो गया हूँ कि लड़कियां ऐसी तेज़ होती हैं, बला होती हैं, लेकिन मैंने जितना प्यार जो है उनकी नज़र में देखा है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हलाल जो जैसे कहते हैं कि निकाह के बाद, ठीक है, तो वो जो मैंने आज तक कभी भी मतलब महसूस ही नहीं किया, कभी मैंने ना देखा भी नहीं है कि यार इतना प्यार होता है। ठीक है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं वो। ठीक है, और बाकी आई नो कि मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो कि ऑन मीडिया होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम उसी से अवॉइड करते हैं। ठीक है, इवन जब हम बाहर भी जाते हैं कहीं, तो वी यूज़ टू वेयर मास्क, और ताकि वी कैन इंजॉय आवर प्राइवेट लाइफ। वो टिकटॉक बनाई, ठीक है, उस हद तक ठीक है, ओके, लेकिन जब हम अपनी जो लाइफ है ना उसको थोड़ा सा प्राइवेट इंजॉय करते हैं, ताकि उसी से लोग उसी में हडल ना बने। ठीक है, लेकिन जो ये वीडियोज़ और ये इसका मकसद यही था कि हमारा जो रिलेशन है, वो जो चीज़ है, जो हमारा आपस में प्यार है, वो मतलब एक जो किस नज़र में है वो लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और सेकेंडली जो लोग हैं, जिन लोगों का मतलब के कंसर्न है, ठीक है, जिन लोगों कोई सवाल है कोई भी, ठीक है, वो मुझे मैसेज कर सकता है, इनबॉक्स करके मुझसे पूछ सकता है, कोई भी किसी का कोई कंसर्न है। ठीक है, ठीक है, बाकी रही बात कि कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये वो सारा, ठीक है, एक चीज़ आपको बता दी है, ठीक है, वो चीज़ है। ठीक है, और इस चीज़ से किसी को कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, आई होप, अगर है भी तो आई डोंट केयर। तो बाकी सब खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला हर किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज रखे, ठीक है, और सब खुश रहें, ठीक है, और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए इतना। ठीक है, इंशाल्लाह फिर दोबारा उसी वीडियो के साथ आएंगे। अगर आप लोगों को कंसर्न होगा कोई जवाब, मुझे लगा कि इंडिविजुअली देना चाहिए, इंडिविजुअली दे दूँगा,
अगर मुझे लगा कि मैं एक ही दफ़ा दूँ सबको तो फिर मैं एक दफ़ा भी दे दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। लगाए जी नाज़रीन मोहतरम, आपने सुन लिया कि भाई डॉक्टर एलिया के शौहर अली बाजवा ने कुरान को हाथ में पकड़कर थाम कर ये बताया कि भाई मैं डॉक्टर एलिया का खावंद हूँ, घरेलू मामलात के बायस हम में कुछ देर के लिए दूरी हो चुकी थी और हमने दूरी इख्तियार की। इसका कतन हरगिज़ मतलब ये नहीं कि भाई हम एक दूसरे से अलहदा हो गए या हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, बतौर सहाफ़ी सवाल तो जन्म लेगा और सवाल मैं पूछूंगा कि डॉक्टर एलिया का अभी तक कोई वीडियो बयान क्यों सामने नहीं आ रहा? चूंकि अली बाजवा भाई जो हैं ये तो हमारे राबिते में भी हैं और इन्होंने कहा कि भाई मैं शोहर हूँ, लेकिन डॉक्टर एलिया क्यों घबरा रही हैं, क्यों कचरा रही हैं, क्यों भागती हैं? अली बाजवा ने कह दिया भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, क्यों नहीं बता रही कि भाई मैं अपने खावन से मोहब्बत करती हूँ? इवन जेड के ये भी नहीं बता रही कि मेरे ये खावन है। आखिर क्या मामला थे, बिहाइंड द सीन रीजंस क्या हैं कि जिनको छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, आवाम जानना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने जो आपको अपडेट से आगाह किया वो यही है कि अली बाजवा ने हाथ में कुरान करीम फुरकान हमीद को थाम कर ये बता दिया और दावा कर दिया कि मैं डॉक्टर एलिया टिकटॉकर का खावंद हूँ और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं चूँकि वो मेरी बीवी हैं। हकायक क्या है आप लोग अगर जानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारे पेज यानी अहमद नसीर को फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल यानी अहमद नसीर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।